नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मृतक पत्रकार आशु यादव के निवास पहुंचे सपा के नगर अध्यक्ष इमरान व प्रदेश उपाध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ रमेश चंद्र यादव। मृतक की बहन को सपा पार्टी से बनाया गया कार्यकारिणी सदस्य। जी हां, आपको बता दें, सपा नेता रमेश यादव ने वार्ता के दौरान बताया कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर हर गांव हर घर में 4 तारीख से 20 तारीख तक सपा सरकार ने जो आम जनता के लिए कार्य किए हैं, इस बात को जन जन पहुंचाया जाएगा। 300 मेगावाट बिजली फ्री, महिला भत्ता, किसानों को 3000 महीना कॉलोनी देना, सपा की सरकार बनते ही आम जनता को इसका उपहार मिलेगा। बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए बोले, बीजेपी की सरकार नकारा पार्टी है, किसी भी प्रकार का आम जनता के लिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया है, इस बात को जन जन तक पहुंचाना है, 2022 में सपा की सरकार बनाना है। सपा की सरकार बनते ही बीजेपी के चुनाव में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ऊपर फर्जी मुकदमे में फंसाए गए जेल में बंद लोगों को बाहर निकाला जाएगा। घर पर बैठे शिक्षक व्यक्तियों को तत्काल अच्छी शिक्षा दी जाएगी। साथ ही बीजेपी की सरकार बहुत ही जालिम सरकार के हिंदू मुस्लिम भाई बहनों शांति से अपना त्यौहार मनाएं। वहीं डॉक्टर इमरान ने वार्ता के दौरान बताया कि अखिलेश भैया को लाना है, घर घर यही बात पहुँचाना है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पुरुष कहलाते हैं। साथ ही जिला पंचायत चुनाव में अधिकारियों से सेटिंग वेटिंग का खेल करके वोट में धांधली की गई, मगर 2022 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता को सही लोग और सही वोट चुनना है, इस बार जनता ही वोट डालेगी। मृतक पत्रकार आशु यादव की बहन सानू यादव व उनकी समाजवादी महिला पुरुष टीम ने 2022 में सपा को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाने की लोगों से अपील की। इस मौके पर प्रवीण छोटे, बुद्धि जायसवाल, रिंकी सिंह, गुड्डी सिंह, आशा, नंदिनी, काजल, रीना, सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। के साथ सिद्धि सिंह, धर्मेंद्र सोलंकी, मुन्ना लाल भाई, पप्पू यादव और बहन हमारी शानू यादव वो है। हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया था कि 4 अगस्त से लेके पूरे 20 अगस्त तक पूरे लगातार सांस्कृतिक प्रकोष्ठ गांव गांव घर घर और वार्ड वार्ड स्तर पर अपना अपना कार्यक्रम करेगी और लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रति प्रेरित करेगी और हम लोग अपना पक्ष रखेंगे जनता के लिए। और ये विश्वास है हमें कि जनता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अग्रिम 2022 के चुनावों में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। जैसे कि सन 2022 को लेकर के बात करें कि कई दल, जैसे कि बात कांग्रेस हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, बसपा हुआ, सपा हुआ, बीजेपी, सभी लोगों ने काफी उच्च स्तर से आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहते हैं? नहीं, तैयारी करना ये राजनीतिक कर्तव्य है, सभी के राजनीतिक दलों का कर्तव्य है, वो अपने अपने राजनीतिक साधनों का पालन करें और राजनीतिक कर्तव्यों को निभाएं, हम भी कर रहे हैं ना उसमें। और हम सरकार बना चुके हैं, समाजवादी पार्टी 5 बार सरकार बना चुकी है प्रदेश में और हमें ये पूरा यकीन है कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनावों में 350 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव सत्ता, अगर अपने सत्ता पे आती, चुनाव जीतती है, तो जनता के लिए क्या योजनाओं का? जनता के लिए जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई, उसने जनता के हितों को कार्य किया। कौन नहीं जानता एक्सप्रेस वे, कौन नहीं जानता पेंशन योजना जो मिलती थी हमारी महिलाओं को, कन्या विद्या धन मिलता था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था, लैपटॉप योजना थी और बिना किसी जाति और धार्मिक भेदभाव के हम लोगों ने वो कार्य किया है, वो कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास पुरुष कहलाते हैं। जैसे ही अध्यक्ष बनेंगे, जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला कार्य यही होगा कि जितनी भी जनहित की योजनाएं हैं उन सबको लागू किया जाए। अभी जो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है, क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी है जो जनता की आवाज नहीं बन पा रहे, जनता के बीच नहीं उनकी? नहीं, ये थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा जी। जो चुनाव जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जनता से होना था जी, जिसमें जनता को वोट डालना था, उस चुनावों में 800 में 625 सीटें हमने जीती है, समाजवादी पार्टी ने अकेले जीती है। लेकिन जो चुनाव जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करके अधिकारियों को मिला के डीएम एसएसपी से पूरी तरह से नाटकता करा के जो चुनाव, ये चुनाव जो हुए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष वाले, जिसमें अगवा कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया जिला पंचायत सदस्यों का, वो चुनाव भाजपा ने जीता है। तो अगला चुनाव जनता का चुनाव है, जनता को वोट देना है। जिस तरह हम लोग वहाँ से 800 में 625 सीटें जीते हैं, इसी तरह बहुमत की सरकार 2022 में बनाएंगे विधानसभा।
यानी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही 2022 पूर्ण बहुमत से आएगी और देश की जनता को सबसे बड़ा रिलैक्स अगर कोई दे सकता है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हम लोग सिल्वर टैक्स और वाटर टैक्स योजनाओं पे भी कार्य करेंगे। हम लोगों को ये भी उम्मीद है कि आगे न जाने कैसी इतनी योजनाएं बनाएंगे जो जनता से डायरेक्ट जुड़ जाएंगी।